गेल्या काही दिवसांपासून आम्ही ही जिंदगी जवळ असलेल्या कादरी हॉस्पिटल बाबत अनेक धक्कादायक प्रकार उघडकीस आणत आहोत. याच पार्श्वभूमीवर एका स्थानिक न्यूज चॅनेल मध्ये प्रसारित डॉक्टर कादरी यांचा खुलासा पाहून व आमच्या चॅनेल मध्ये दाखविले गेलेली वस्तुस्थिती पाहून ग्रुपचे संस्थापक तथा सामाजिक कार्यकर्ते मुन्नाभाई सालार यांनी सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये जाऊन संबंधित पीडित महिलेची भेट घेऊन नेमकी वस्तुस्थिती व घडलेल्या घटनेबाबत विचारपूस केली. कादरी हॉस्पिटलच्या चुकीच्या उपचारबाबत अत्यंत तीव्र शब्दात निषेध व संताप व्यक्त केला आहे. तसेच त्यांनी डॉक्टर कादरी यांचा खुलासा प्रसारित केलेल्या त्या चॅनेलचा देखील निषेध व्यक्त करत सांगितले की तुम्ही सत्यता जाणून घेऊन सत्य काय आहे ते मांडायला पाहिजे, जे जम जम न्यूज चॅनलने करत आहे. तसेच त्यांनी डॉक्टर कादरी यांना आवाहन केले आहे की अशा प्रकारे अनेकांचे चुकीचे उपचार त्वरित बंद करून गोर गरीब लोकांना चांगले उपचार करावे आणि रुग्णाच्या नातेवाईकांची लूट थांबवावी. डॉक्टर कादरी यांच्या हॉस्पिटलवर तात्काळ कारवाई करण्याची मागणी ही या प्रसंगी केली. यावेळी नेमकं काय म्हणाले मुन्नाभाई सालार पहा. मैं मुन्ना सालार, BH ग्रुप संस्थापक अध्यक्ष सोलापुर शहर. आज जो है हमारी बहन को मैं एक वीडियो वायरल हो गया कोई चैनल के माध्यम में. वो चैनल का मैं नाम भी लेना चाहता हूँ, मगर मैं हकीकत आके मैं खुद देखा हूँ कि जो कादरी डॉक्टर है कौम कौम बोलता है कि ये मुसलमान नहीं है क्या, कौम क्यों बोल रहे तुम, अरे तुम नालायक बना करे, तुम जो लोगों का बिल काट लेते हैं, तुम्हारा धंधा प्रश्न चल, तुम पिछले मरतबे भी हमारे जो रिश्तेदार उधर थे सोशल स्कूल के सामने, वहाँ जो है ना तुम सीजर करते बोलकर 14,000 रुपये का तुम्हारा पैकेज है, उसका मेडिसिन लेते सब हम करते बोले, जब भी तुम 22,000 रुपये को मेरे पास पुरावा है कहाँ, ये सोशल स्कूल के सामने आज भी तुम वही कर रहे हैं. मल्टीपर्पज हॉस्पिटल है तुम्हारा, क्या मल्टीपर्पज हॉस्पिटल में तुम्हारे सुविधा क्या है, तुम हड्डी के डॉक्टर बोलते, डिलीवरी के पेशेंट के पास जाते, तुम नालायक हैं कि अच्छे इंसान हैं, आप ही बताओ. आप बोलते हैं, तारीफ करते हैं, आप मेरा सिफारिश दे रहे हो दूसरे माध्यम में, चैनल का नाम भी लेना चाहता हूँ. वो ये नालायक लोग हैं जो दिखाने वाले, जो सच बात क्यों नहीं दिखा रहे, आप सच बात दिखाओ ना, झूठ क्यों बोल रहे तुम. मैं बोलना नहीं चाहता, मैं ये नहीं करना चाहता हूँ. अरे तू बोलना, खुलासा दिया ना, तू आना. वो बच्चे ये शासकीय हॉस्पिटल है, ये सरकारी हॉस्पिटल है, ये डॉक्टर गलत है क्या, आपका डॉक्टर सही है, तुम्हारी डिग्री सही है, क्या है तुम्हारा, ये नालायकपना बंद करो, ये धंधा, ये सरकारी हॉस्पिटल है, ये सिविल हॉस्पिटल, ये गरीब लोगों को संभालने का हॉस्पिटल है, तुम्हारे जैसा नालायक धंधा नहीं है ना, क्यों कर रहे हैं ऐसा, मत करो डॉक्टर साहब, आप समझ जाओ, ये तुम्हारा बच्चा जो है वो कर रहा है, आपकी गलती नहीं है, बच्चे को खर्चा बहुत है. मैं बोलना चाहता हूँ, आप बच्चे क्या करता है, क्या है आपका खर्चा बड़ा है, उसके लिए आप संभालो आपके बच्चे को, लोगों का पैसा लूट मार मत करो, मेरा इतना ही बोलना है.